इसमें टी पास बना के देखते हैं कि कैसे चलता है। दूसरा कंसेप्ट ये है कि ठीक है डिजाइन अपन ने बना दिया, लेकिन टूल पाथ अगर प्रॉपरली नहीं हुए ना तो वो डिजाइन कोई काम कर उसका। तो मैं आगे सही से बताऊंगा, एक अभी केवल अपन चेक करते हैं कि सपोज मशीन पे अगर इसका कुछ अपन प्रोग्राम बनाएंगे तो ये किस तरीके का डिटेल जनरेट करेगा। इसमें है अपने चार एम एम बॉल नॉस, चार एम एम, तीन या चार एम एम, चार का नहीं, तीन एम एम ले लो, चार का करना हो तो सर रहता है उसी में सर ऊपर वहीं कहीं नहीं। देखो ये सब कॉन्सेप्ट है बेसिक है, सर उसके नीचे वाला स्टेप डाउन, ये तो सब आपके काम की चीज है। क्लोज कर दो सर बाजू वाले को, दो दो ऐप चल रही है। ये हो गया अपना टूल पाथ हो गया, ठीक है। टूल पाथ के हिसाब से ये एकदम परफेक्ट है। परफेक्ट का मतलब ये है कि ये जो अपन ने डिटेल जो दी थी ना मशीन के अंदर वो ऐसा के ऐसा कट ले रही है, मीन्स डिटेल जो है वो एकदम जैसा अपन ने बना उसके अकॉर्डिंग हो रहा है। अच्छा मशीन चलती हुई दिखाती है ना, सिमुलेट करोगे उसमें प्रोसेस बता दें, उसमें टाइम लगता है, ठीक है ना। बाकी देखो जैसे अपन ने जो किया है ना वैसा ही आ रहा है, ठीक है। तो डिज़ाइन का एक कंसेप्ट ये भी बोलता है कि टूल के अकॉर्डिंग डिज़ाइन होनी चाहिए। इसमें क्या है, सपोज अपन ने बहुत अच्छी डिटेल भी दी है यहाँ से अपन ने, जैसे कि अभी अपन ने देखा था, ठीक है। तो वो कोई डिटेल अगर मशीन में अगर नहीं आए, कटिंग में नहीं आए, तो फिर वो कोई काम की नहीं, सीधी सी बात है, क्योंकि अपने को तो ये कटिंग ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपन ने ये जो कटिंग करके देखी ना ध्यान अगर उनकी बॉल से, तो एकदम फाइन वर्क हो रहा है, बोरा भाई, ठीक है। तो वो तरीके से अपने को काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिज़ाइन उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए कि टूल वहाँ पे चल सके। तो ये तो मैं आगे डीपली बताऊँगा, ये तो केवल मैं चेक करा था कि ये जो अपन ने बनाया है वो टूल के अकॉर्डिंग है या नहीं,